नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि शिवरात्रि व्रत के दिन क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि का व्रत हिंदी के फागुन महीने और इंग्लिश के फरवरी या फिर मार्च के महीने में पड़ता है। इस समय का जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडी वाला भी नहीं होता और गर्मी वाला भी नहीं होता, यानी कि इस समय बीमार होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो शिवरात्रि का व्रत कैसे रखा जाए कि आप बीमार भी ना पड़े और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग बनी रहे। तो हम बात करेंगे कि फलहार में क्या खाया जाए और क्या नहीं। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को जल चढ़ाकर अपना व्रत खोला जाता है। अब व्रत खोलने के लिए आपको किस चीज़ का सेवन करना चाहिए? बहुत से लोग चाय पीकर अपना व्रत खोलते हैं, लेकिन ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप खाली पेट चाय पियेंगे तो आपको पूरे दिन गैस या फिर ब्लोटिंग का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शिवरात्रि के दिन अपना व्रत खोलने के लिए आप गुड़ का इस्तेमाल करें और गुड़ खाने के बाद एक ग्लास पानी पिए, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। गुड़ और पानी के कुछ देर के बाद आपको कुछ खाने की आवश्यकता पड़ती है। आपको खाने हैं सीजनल फ्रूट्स। सीजनल फ्रूट्स में आप पपीता, अंगूर, बेर, सेब, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। केला थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि ये जो सीज़न है इस समय केले से आपको जुकाम होने का खतरा हो सकता है। फल खाने के बाद जब आपको भूख महसूस हो तब आप थोड़ा सा साबूदाना, साबूदाने की खिचड़ी या फिर खीर, आलू फ्राई, मूंगफली भुनकर, इस तरह से कुछ भी फलहार खाना खा सकते हैं। इस सीज़न में दही को अवॉइड करना चाहिए, खास करके व्रत में, क्योंकि हमारा पेट खाली होता है और दही खाने से डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब आपके पेट में कुछ सॉलिड फूड जा चुका है, अगर अब आपको चाय पीने का मन करे खाना खाने के कुछ देर के बाद, तो आप बेशक चाय या कॉफ़ी दोनों का सेवन कर सकते हैं। व्रत में कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं, इस चीज़ पर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों, चाय के साथ कुछ लोगों को स्नैक्स की आदत होती है, और अगर आपका व्रत है तो ऐसे में आप चाय के साथ भुने हुए मखाने खा सकते हैं। इसके अलावा जब आपको कुछ खाने का मन करे या फिर लो फील हो रहा हो, तो आप सूखे मेवे को भुनकर, यानी कि काजू, बादाम, किशमिश, इन सबको हल्का सा रोस्ट कर आप इन्हें भी खा सकते हैं। इनसे आपको एनर्जी मिलेगी। चाय पीने के कुछ देर के बाद डिनर में आप साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू फ्राई खा सकते हैं, कुट्टू के आटे की पूड़ी, समा के चावल की खिचड़ी, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं जो कि व्रत में खाई जाती हैं। व्रत में क्या चीज़ें खानी चाहिए क्या नहीं, इस पर भी एक डिटेल वीडियो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। डिनर में कुछ सॉलिड चीज़ खाएं, क्योंकि उसके बाद सीधा आपको सुबह ब्रेकफास्ट करना है, और ब्रेकफास्ट भी अगर आपसे बाय चांस स्किप हो जाता है तो आपको आ सकते हैं हेल्थ इश्यूज़। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम व्रत में इतना खाते हैं तो फिर वो व्रत किस चीज़ का? व्रत में हम रोज़ाना से अलग थोड़ा सा सात्विक और फलहारी खाना खाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को भूखा रहकर तकलीफ देंगे। आप कुछ कुछ देर पर फलहारी खाना अवश्य खा सकते हैं। अब शिवरात्रि की प्रसिद्ध भांग के बारे में बात करते हैं। तो अगर भांग को बिना नमक के बनाया जाता है तो उसका सेवन भी शिवरात्रि व्रत में किया जा सकता है। शिवरात्रि व्रत में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि घर में नॉनवेज बनना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग भगवान शिव की आड़ में मदिरा का सेवन भी करते हैं, तो दोस्तों इस व्रत में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज युक्त खाना इस व्रत में बना सकते हैं, और जिनका व्रत नहीं है वो खा भी सकते हैं। ये थी शिवरात्रि व्रत से जुड़ी हुई कुछ बातें कि आप व्रत में क्या खा सकते हैं, कब खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।